नमस्कार, हिंदुजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। कोरोना काल की शिथिलता के बाद थिएटर खुल जाने और एक से बढ़कर एक फिल्में प्रदर्शित होने से थिएटर संचालकों में हर्ष की लहर व्याप्त है। आइए देखते हैं हमारे प्रतिनिधि जय कुमार की एक खास रिपोर्ट। उप राजधानी नागपुर के सीताबर्डी स्थित जानकी टॉकीज के संचालक आलोक तिवारी ने हिंद उजाला टीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना काल में टॉकीजों के बंद रहने से काफी निराशा का माहौल उत्पन्न हो गया था, मगर अब पुष्पा एवं झूम फिल्म के प्रदर्शन होने से दर्शकों का रुझान टॉकीजों की तरफ बढ़ने लगा है, जिससे टॉकीजों के पुराने दिन आने की उम्मीद की जा सकती है। नमस्कार, मैं जय कुमार, हिंद उजाला टीवी न्यूज की तरफ से। आज हम यहाँ पे आए हैं बर्डी में, बर्डी में जानकी टॉकीज में आए हैं, जिनसे जानकी टॉकीज के जो ओनर्स है श्री आलोक तिवारी जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि जो अपना अभी जो मूवी चल रही है, जो नागपुर के व्यक्ति पे पूरा निर्देशित हुई है मूवी, जिनका नाम है विजय भारसे साहब, उन पे पूरी मूवी बनी है, तो टॉकीज में किस तरह से उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहाँ की पब्लिक किस तरह से ये कर रही है और कौन कौन सी मूवीज में बहुत अच्छा कार्य किया है, यहाँ पे कितना 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 दिन चला है और ये मूवीज का क्या लगता है सर को, तो हम उनसे जान लेते हैं। और साथ ही साथ कामगार दिन के निमित्त हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है उसके उपलक्ष में भी सर से हम मिलने आए हैं कि सर किस तरह से अपने कामगारों का, यहाँ पे जो कामगार जो लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनका किस तरह से ध्यान रखते हैं, किस तरह से उनको फैसिलिटीज देते हैं। तो आइए हम मिलते हैं तिवारी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हिंद उजाला की तरफ से। सर आपका परिचय? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी, सर हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो मूवी चल रही है अपनी, जो जून मूवी चल रही है अपनी, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। जून मूवी को पहले दिन से ही बहुत अच्छा प्रतिसाद है, नागपुर में बनी है, जो लोगों को अवेयरनेस है, नागपुर के लड़कों ने काम किया है, जो मेन जिसपे आधारित है विजय भरसे जी, तो इस्लाम कॉलेज में स्पोर्ट टीचर थे, उन्हें किस तरह ये चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो लोग दिखने में काफ़ी उत्साहित थे ये चीज़ को और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और ये काफ़ी दिनों तक चलेगी और अच्छी भीड़ में चलेगी। अभी 3 दिन हुआ जिसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, वेरी गुड। और सर लॉन्ग टाइम ऐसी कौन कौन सी मूवीज आपके थिएटर में चली है जो अच्छा रिकॉर्ड और अच्छा मूवी? देखिए अभी तो 2 साल से तो कोविड के कारण सिनेमा पे इतना बुरा प्रभाव था कि लोग बोल रहे थे कि सिनेमा का, थिएटर का, मल्टीप्लेक्स का धंधा ही बंद हो जाएगा, ओटीटी ही चलेगा, ओटीटी, तो हम लोग काफ़ी उसमें वो थे, चिंतित थे। लेकिन सूर्यवंशी जो था एक रोहित शेट्टी का पिक्चर, उसने पब्लिक को खींचा। उसके बाद अचानक जो साउथ की पिक्चर है पुष्पा, जिसने बहुत ही अच्छा कामयाब बिजनेस किया, जिसने एक नई लाइफ दे दी थिएटर को और पब्लिक को वापस लाया। और अब नागराज जी की पिक्चर है और हाल ही में गंगूबाई, इन लोगों ने अच्छा किया है जिससे हमें को उम्मीद हो गई है और ऐसा लग रहा है कि नई पब्लिक आना चाहती है। तो ये नागराज जी की जो मूवी है अपनी, जो झुंड है, इससे क्या अपेक्षा रखते हैं सर कि कितना वर्क करेंगी, कितना चलेंगी मूवी सर? नागपुर में तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बाकी जगह मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई है, ठीक ठाक रिस्पॉन्स है, लेकिन बढ़ेगा विद बहुत पब्लिसिटी जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी, क्योंकि पिक्चर ओवरऑल फैमिली पिक्चर है जो सब देख सकते हैं और नागपुर के लोग तो बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को देखने के लिए। जिस हिसाब से कल संडे था, 100% का सरकार ने वो दिया था, परमिशन तो हाउसफुल हो गई थी, 578 लोग हमारे बैठे थे, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो हाउसफुल का बोर्ड छुपा के भी रख दी थी, अब लगेगा कि नहीं लगेगा मालूम नहीं। तो नागराज जी को बहुत धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद जिसने हाउसफुल का बोर्ड वापस सिनेमा में लगवाया, थैंक यू वेरी मच। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि जय कुमार के साथ बात करते हुए जानकी टॉकीज के संचालक आलोक तिवारी ने बताया कि वे अपने सभी स्टाफ को अपने परिवार की तरह मानते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। उनका मानना है कि किसी भी संस्थान में वर्करों की भूमिका रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, इसलिए सभी संस्थानों ने अपने वर्करों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी हर संभव मदद करना चाहिए। कामगार दिन के निमित्त अपना जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में भी हम सर से थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि सर अपने यहाँ कितने वर्कर है? जी हमारे यहाँ तो अभी कोविड के बाद 7 से 8 वर्कर है, जिस हिसाब से बढ़ते भी है कम भी होते हैं, जैसा भी पोजीशन होता है। हाँ जी, तो आप उनका किस तरह से ध्यान रखते हो सर? ध्यान सब चीज़ों का है, टाइम पे उनका पेमेंट है, उनकी जो भी ज़रूरत है जो भी है सब चीज़ों का उन पर ध्यान रखा जाता है, घर समान ही उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और उनके वजह से ही हम है, हम सब काम नहीं कर सकते, ये एक टीम है, टीम का काम है और हर संस्था ने ये सिर्फ करना चाहिए और सबको रोजगार देके आगे बढ़ना चाहिए, तभी इंडिया का भविष्य अच्छा रहेगा, भारत का, महाराष्ट्र का, सबका भविष्य अच्छा। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई योजनाएं मिलना चाहिए ऐसा लगता है सर, हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें? मिलना तो चाहिए, लेकिन सबको अपने क्वालिटी के, एजुकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए और सबका रोजगार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब अच्छी चलना चाहिए, उस हिसाब से सब होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सब चीजें मेन।
सभी का सेकंड डोज हो चुका है। उसकी बहुत हमने वो भी किया है, प्रिकॉशन भी लिए हुए, सबको समझाया, सामने हमारे बोर्ड भी लगे हुए हैं, मास्क पहनी है, वैक्सीनेशन लेके आई है। मुझे कॉल भी आते हैं, एक हुआ है, दो हुआ है, हम आ सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ उनको, भाई दो हुआ है तो बेटर है, तभी आप आइए। ये सब चीज़ें होती है, आप जमाने को सब मालूम है कि कोविड के साथ कैसा चलना है, तो उस हिसाब से सब काम करें। हम लोग कितना बताएंगे, सरकार तो बता ही रही है, आज तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, सब नॉर्मल चल रहा है। तो ये थे अपने आलोक तिवारी जी, जानकी टॉकीज के जो बर्डी में है, नागपुर बर्डी में जो जानकी टॉकीज है, उनके जो ओनर्स है, हमारी उनके साथ चर्चा चल रही थी। उन्होंने कामगार दिन के निमित्त भी सर ने बताया कि यहाँ जितने भी एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा बताया सर ने कि सबको हम एक परिवार की तरह लेके चलते हैं, अगर उनके परिवार में कोई आपत्ता आ जाती है तो हम उनके पीछे सदैव खड़े रहते हैं, और सभी कोविड के नियम के अंतर्गत यहाँ सब काम हो रहा है, हमारे भी निर्देश में आया है, सभी का सेकंड डोज हो चुका है, और सर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनको एक परिवार समझ के उनको ट्रीट करते हैं जो वर्कर्स लोग हैं यहाँ पे। और हमारे चैनल के माध्यम से हम यही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज और बाकी भी इसमें हम बताना चाहते हैं कि अपने पर जैसा सर अपने वर्करों को अपने परिवार मानते हैं, उसी तरह से सभी ने अपने वर्करों को अपना परिवार मानना चाहिए, तो अच्छे से अच्छा आपको उत्पन्न मिलेगा, आपको उसमें से डेवलपमेंट भी मिलेगा, क्योंकि उसमें एक आत्मीयता आ जाती है। और बहुत अच्छा सर ने बताया, यही हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, और सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम कि ये जो झूठ मूवी आ रही है अच्छे से अच्छा चले, बढ़िया चले, रिकॉर्ड तोड़ चले, नागपुर के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा पसंद करें, यही बोल के मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। मैं जय कुमार, हिंदू उजाला टीवी न्यूज की तरफ से, जय भारत, जय महाराष्ट्र, नमस्कार।